ओहो भाई दिल्ली 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 प्रेडिक्शन। हमने यहाँ से ले लिया बुक्का बुक्की शोज। बक्का बुक्की हाँ बुक्का बुक्की हाँ नहीं बक्का बुक्की हाँ वही भाई जो भी है। लेकिन हमने डायरेक्ट मान लो कंपनी से ही ले लिया। इंडिया गेट इंडिया गेट टेकअप करने के लिए दौड़ रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है मालिश, तेल मालिश, वो भी 100% प्योर ऑलिव ऑयल से। मेरा तो गया सारा पैसा। तो भाई जमीन का आदमी है, जमीन पे आ गया, क्योंकि अभी मेरा भी सिर मालिश होने वाला है। एनीवेज दिल्ली में तो असम से ज्यादा ठंड है। अभी असम में ठंड है लेकिन थोड़ा थोड़ा, दिल्ली में बहुत ज्यादा मिला। तो गाइस एक्चुअली दिल्ली में सबसे ज्यादा मिस कर रहा था फैमिली। अभी फैमिली के पास हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली में क्या क्या किया वो अभी थोड़ा सा देखिए। एक बहुत ही मजेदार चीज दिखा था, वहां पे एक बक्का बुक्की शूज लिया मैंने, जो सिर्फ ऑनलाइन में काम करता है। अभी तक एक भी शोरूम नहीं है, लेकिन जहां से उनका आई थिंक जो मैन्युफैक्चर यूनिट है ना, वहां तक मैं चला गया था। दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर, कंप्लीट सिटी से बाहर, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर था वो। तो शूज दिखाता हूँ। अरे किधर है मेरा बक्का बुक्की, किधर है, कहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा? उस रूम में होगा शायद। किधर 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 किधर, ये रहा गाइस ये रहा बक्का बुक्की। पता नहीं क्या कहते हैं, ये रहा बक्का बुक्की तो कहते हैं। तो सबके लिए तो जूता वूता लाए वो, मेरे लिए तो ये वाला। ये कैसा है समा? आपका शॉपिंग दिखा। पता नहीं क्यों इन लोगों ने मेरे सिर पे तेल लगाना ही कैंसिल कर दिया। बोल रहे कि सब कुछ सही है, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग फिर से दिल्ली का एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। आज चौथा दिन है दिल्ली में, उसी सेम होटल में ठहरा हूँ। बहुत ही बढ़िया है, केरल बाग में यहाँ का खाना भी अच्छा ही है। तो अभी बाहर चलता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, वही मेरा फेवरेट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। ये देखिएगा दिल्ली में हो गया था बारिश, बारिश ने तो और ठंड को तेज कर दिया यार। कुछ चाय नाश्ता करता हूँ। कितना 100 रुपया? बस अपने मोबाइल लेके। तो उठेंगे दिल्ली मेट्रो में। ये रहा मेट्रो का टिकट। स्टेशन भाई दिल्ली 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 वो भाई क्या गजब का बना है, क्या गजब का बना है। एक पेडेस्ट्रियन रोड है, इस साइड में मेट्रो, उस साइड में सुप्रीम कोर्ट हमारा। बैठा हो यहाँ, ऊपर से जा रहा है मेट्रो, नजारा ही अलग है दिल्ली का। इतना ज्यादा भूख लगे थे, वो इतना बढ़िया खाना मिल गया आज। तो टाइम मेरे शाम के 5:33, लेकिन यहाँ तो अंधेरा और देर से होगा। ये देखिए बाहर का नजारा। घर में तो अंधेरा हो गया हमारे वहाँ, क्योंकि वहाँ सुबह भी जल्दी होता है। शाम का टाइम है, रूम में बैठ के और कितना एडिंग वेडिंग जितना था हो गया मेरा। अभी थोड़ा चाय पीता हूँ, फिर से मार्केट का चक्कर लगाता हूँ। ट्रैफिक तो देखो, ट्रैफिक ओह। हमने यहाँ से ले लिया बुक्का बुक्की शोज। बक्का बुक्की हाँ बुक्का बुक्की
नहीं बक्का बुक्की। हाँ वही भाई, जो भी है। ये तो ऑनलाइन है ना बक्का बुक्की, लेकिन हमने डायरेक्ट मान लो कंपनी से ही ले लिया। इतना बड़ा शोरूम है ना यहाँ, शोरूम नहीं है अभी तक, रिसेंटली वो लोग शोरूम खोलेंगे दिल्ली में, पहला शोरूम होगा वो। यहीं पे सारे के सारे पैकिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग डिलीवरी यहीं से होता है। वाह, अंदर वीडियो फोटो कुछ भी अलाउड नहीं है, तो कुछ भी शूट नहीं किया, लेकिन अच्छा लगा। इतना सारा जूता क्या बताऊं। अरे राइट साइड में इंडिया गेट यार, इंडिया गेट तो दिन में दिखा था, अभी तो रात में भी दिखने वाला हूँ। राष्ट्रपति भवन है ना उस साइड में, ये रहा गाइस रात का नजारा इंडिया गेट का। अरे भाई अंदर तो हजारों की तादाद में पब्लिक है, यहाँ डेली कम से कम 10,000 से ऊपर आदमी हमें देखने। ये है सर गंगाराम हॉस्पिटल के पार्किंग, स्टेट्समैन हाउस। ये क्या ऑफिस है, ये तो पता नहीं किस चीज का ऑफिस है, लेकिन ऑफिस है बढ़िया, यहाँ पे ऊंचा ऑफिस है लंबा काफी। बिल्डिंग काफी यूनिक है, ये बिल्डिंग काफी यूनिक है, बहुत अच्छा, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और इस साइड में भी ये बिल्डिंग्स भी बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम नया नया लग रहा है यहाँ, लगता ही नहीं कि दिल्ली है, ऐसा लगता कहीं बाहर की जगह पे आ गया अचानक से। अरे भाई ये तो अपना ही इंडिया है ना। नहीं इंडिया तो आई लव इंडिया है नहीं, लेकिन जगह जगह का फर्क है, गली गली का फर्क है। वो दूसरे रास्ते में जब सुबह से मैं घूम रहा ना, वो ऐसा लग रहा है ये पुराना है घर, सब पुराना है। ये जो आया ना एकदम बिल्कुल सारे बिल्डिंग्स नया, एकदम नया टाउन है ये, ऐसा लगा नई दिल्ली, ये लग रहा है कि नई दिल्ली है, हाँ वाकई में नई दिल्ली है। राइट राइट राइट, भी अच्छे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स भी अच्छे, पेड़ पौधे भी अच्छे, सब कुछ ही बदल जाता है यहाँ पर। हाँ बदल गया, इस रास्ते में सब बदल गया, सब बदल गया, नया नया लग रहा है। और आप कौन है, मोबाइल पे आ गया मेरा। मैडम जी कैसा है? गोल पलाई से कैमरा पर पलाई से। हमारे वाला फ्लाइट रेडी हो रहा है, अभी बोर्डिंग शुरू होगा, तो चलते हैं 8 दिन के बाद असम। यहाँ तो बस खड़े खड़े लैंडिंग और टेक ऑफ ही देख रहा हूँ, जेट जा रहा है छोटा सा, ये टेकअप करने के लिए दौड़ रहा है। आठ दिन के बाद स्टार्ट करूंगा पुष्पा को, तो अब देखता हूँ एक सेल्फ में स्टार्ट होता है कि नहीं, गाड़ी को सेल्फ कब मारना है। ये लाइट्स आ गए, कुछ लाइट चले जाएंगे, अब स्टार्ट करना है, आई मीन सेल्फ मारना है। वाह बढ़िया, 8 दिन के बाद भी एक सेल्फ में स्टार्ट, यही पावर है मारुति की। रुपये 5 किलोमीटर नौगांव रुपोही, इन सब जगहों के ना भाव्स ही अलग है। तो ये देखो आशिक ने इस तरफ खेती किया है, इस तरफ सरसों का खेत, अभी तो सरसों का फूल चला गया। गाइस गांव में ऐसा होता है कुछ कुछ दिनों के बाद ना हर खेत का लुक्स ही अलग हो जाता है। तो दिल्ली जाने से पहले वीडियो बनाया था, मेरे घर के सामने इतना अच्छा फूल हो रहा था सरसों का, अभी तो फूल नहीं है, सारे के सारे सरसों ही है अभी।